Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी, सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तानी बाशिंदों ने कनाडा में अस्पताल के लिए लाखों डॉलर्स जमा कर लिए, अस्पताल इंतजामिया का इजहार तशक्कुर। कैनेडियन वजीर आजम की ओटावा में नौ मुंतखब और रुखसत होने वाले एमपी से मुलाकात, माहौलियाती तब्दीली से निमटने और मगरबी कैनेडा में बढ़ते तनाव और तवानाई के हवाले से गुफ्तगू की गई। ऑन्टारियो के कानून साज असेंबली ने मजहबी आजादी पर पाबंदी लगाने वाले किसी भी अमल की मुखालफत कर दी, हुकूमत और हिजब इख्तलाफ ने करारदाद मंजूर कर ली। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन की लाइन 2 बंद होने के सबब हजारों अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस पर टीटीसी ने सार्फीन से माफी मांग ली। टोरंटो में सर्दी में इजाफा, बेघर अफराद को रिहाइश फराहम करने के लिए शहरी हुकूमत ने तैयारी कर ली, नए मरकज में 200 अफराद को सहूलत फराहम की जाएगी। अमेरिका के फेडरल जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि सदर की अदालती फैसले पर तनकीद तबाहकुन है। अबू बकर अल बगदादी के खानदान के लोग और करीबी अफराद तुर्की में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तुर्क सदर ने दावा किया है कि कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बरतानिया के शुमाल मगरबी शहर मैनचेस्टर को भी शदीद बारिशों ने लपेट में ले लिया, शहर में बारिशों के बाद मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी निजात कैनेडियन बाशिंदों ने 10 साल के दौरान कनाडा में मार्हम मिस्टूफ विल अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सेंटर के लिए 25 लाख डॉलर बतौर अतिया जमा कर लिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन बाशिंदों ने 10 साल के दौरान कनाडा में मार्हम मिस्टूफ विल अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सेंटर के लिए 25 लाख डॉलर बतौर अतिया जमा कर लिए हैं। अस्पताल ने इस शराकत के एजाज में ऑर्थोपेडिक सेंटर को पाकिस्तानी निजात कैनेडियन का नाम दिया है। अस्पताल ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि एक दिहाई से ज्यादा अरसा तक हमारे मरीजों को मदद फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर ने भी ट्विटर पर तारीफ की, उन्होंने पाकिस्तानियों की खसूसियात को भी सराहा। कुछ बात कर लेते हैं, कैनेडियन वजीर आजम और लिबरल पार्टी के सरबराह जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में नौ मुंतखब और रुखसत होने वाले एमपी से मुलाकात की। इस मौके पर ट्रूडो ने एमपी से माहौलियाती तब्दीली से निमटने और मगरबी कैनेडा में बढ़ते तनाव और तवानाई के हवाले से गुफ्तगू की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन वजीर आजम और लिबरल पार्टी के सरबराह जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में नौ मुंतखब और रुखसत होने वाले एमपी से मुलाकात की। इस मौके पर ट्रूडो ने एमपी से माहौलियाती तब्दीली से निमटने और मगरबी कैनेडा में बढ़ते तनाव और तवानाई के हवाले से गुफ्तगू की। एक गैर रस्मी इजलास के दौरान ट्रूडो का कहना था कि अल्बर्टा और सिस्केचुआन के मामलात उनके लिए खास अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रीमियर्स, मेयर्स और कारोबारी अफराद के जरिए वहाँ के लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत से काम करने हैं ताकि इस बात को यकीनी बना सके कि हम पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। ट्रूडो ने इजलास को 40 रोजा इंतखाबी मुहिम के दौरान कनाडा के लोगों से सुनने वाली बातों पर गौर करने और उस पर तबादला ख्याल करने का एक मौका करार दिया। इस बात पर जोर दिया कि आवाम के खदशात को कैसे दूर किया जा सके। उन्होंने हारने वाले उम्मीदवारों की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया और इस बात पर गौर किया कि वो किस तरह मुस्तकिल अपना किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब ट्रूडो फौजी इत्तेहाद नेटो का दिफा करते नजर आए। जब फ्रांस के सदर की जानिब से 70 साल फौजी इत्तेहाद में अमरीकी क़यादत की अदम दिलचस्पी का बयान सामने आया था, ट्रूडो ने कहा कि नेटो कनाडा और उसके इत्तेहादियों की सलामती और इकदार के हवाले से अहम किरदार अदा करता रहेगा। वाज रहे कि हाल ही में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानिब इशारा दिया गया था कि यूरोपीय इत्तेहादियों को ट्रंप की जानिब से बनाए जाने वाले हालिया इकदाम कर सरेनौ जायजा लेना चाहिए। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की मुकन्नना ने एक गैर पाबंद करारदाद की हिमायत की है जिसमें मजहबी आज़ादियों को महदूद रखने वाले किसी भी कानून की मुखालफत की गई है। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की मुकन्नना ने गैर पाबंद करारदाद की हिमायत की है जिसमें मजहबी आज़ादियों को महदूद रखने वाले किसी भी कानून की मुखालफत की गई है। लिबरल एमपीपी माइकल कोटो की जानिब से क्यूबेक के सेकुलरिज्म बिल, जिसे बिल 21 भी कहा जाता है, के जवाब में एक तहरीक पेश की। सेकुलरिज्म बिल के तहत सरकारी मुलाजमीन जिनमें जजेज, असाज़ा और पुलिस अफसरान भी शामिल हैं, उनके काम के दौरान मजहबी अलामत वाली अशिया पहनने पर पाबंदी होगी। कोटो का कहना था ये बहुत जरूरी है कि सूबा मजहबी आज़ादी में रुकावट बनने वाले किसी भी अमल की मुखालफत करे। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत के मेंबरान ने हिज़्ब इख्तलाफ के हमरा इस करारदाद के हक में वोट दिया। वाज़ेह रहे कि कनाडा में हालिया इंतखाबात के दौरान अक्सर रहनुमाओं ने कहा था वो सेकुलरिज्म बिल के खिलाफ किसी भी अदालती चैलेंज में मदाखलत नहीं करेंगे। कुछ बात करेंगे टीटीसी के हजारों मुसाफिरों को लाइन 2 के बंद हो जाने के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाइन 2 सबवे सर्विस सुबह के वक्त पेप और सेंट जॉर्ज स्टेशन पर रश के औकात में सुबह सवेरे बंद हो गई थी, जिसे 9 बजे के करीब बहाल कर दिया गया। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। टीटीसी के हजारों मुसाफिरों को लाइन 2 के बंद हो जाने के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईस्ट एंड के रिहायशी बसेस के इंतजार में और प्लेटफॉर्म्स पर मालूमात करते नजर आए। लाइन 2 सबवे सर्विस सुबह के वक्त पेप और सेंट जॉर्ज स्टेशन पर रश के औकात में सुबह सवेरे बंद हो गई थी, जिसे 9 बजे के करीब बहाल कर दिया गया था। सबवे प्लेटफॉर्म खासतौर पर पेप स्टेशन मुसाफिरों से भरे हुए थे, जिसके सबब एक ट्रेन ने मुसाफिरों को वहाँ उतारने के बजाय चेस्टर स्टेशन पर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पहले से ही कई 100 मुसाफिर मौजूद थे। अपने ट्वीट में टीटीसी की जानिब से मुश्किलात का सामना करने पर मुसाफिरों से मौजरत की गई, जबकि एक सारिफ की जानिब से पूछने पर सर्विस में तातुल की वजह एक केबल में फॉल्ट बयान की गई। टीटीसी की सर्विस बंद होने पर मुसाफिरों के अपने दीगर मामलात समेत दफातर जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तहम टीटीसी की जानिब से दफ्तर में लेट होने वालों को लेटर फराहम किया जाएगा, जिसमें ताखीर की वजह बयान की गई है। टोरंटो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं टोरंटो में शदीद सर्दी के मौसम में बेघर अफराद के लिए नया प्लान जारी किया गया है। शहरी हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 2019 और 20 के मंसूबे में बेघर मुहाजरीन और सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद के लिए एक नया मरकज बनाया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शदीद सर्दी के मौसम में बेघर अफराद के लिए नया प्लान जारी किया गया है। शहरी हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 2019 और 20 के मंसूबे में बेघर मुहाजरीन और सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद के लिए यंग स्ट्रीट और फ्रेंच एवेन्यू के इलाके में एक नया मरकज बनाया गया है, जिसे 12 नवम्बर को खोला जाएगा। होम्स फर्स्ट सोसाइटी के जेर इंतजाम इस मरकज में 200 अफराद के लिए जगह होगी और ये कम्युनिटी एजेंसियों, शहर के नए दफातर और मौजूदा डिविजन के साथ शराकत के जरिए रातों रात रिहाइश और खसूसी खिदमात मुहैया करेगा। शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो शेल्टर सिस्टम के तहत 200 अफराद को मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। वाज़ेह रहे कि माहिरीन की जानिब से टोरंटो में बर्फबारी के बाद वीकेंड पर भी मौसम सर्द रहने की पेशगोई की गई है। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो में बेघर होना एक बड़ा मसला है। खबर शामिल करेंगे न्यूयॉर्क से। आपको बताएं न्यूयॉर्क की अदालत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हुक्म दिया है कि वो अपने
سابق خیراتی ادارے کے فنڈ کو سیاسی اور کاروباری مفادات کے لیے استعمال کرنے پر $20 لاکھ کا ہرجانہ ادا کریں. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. عدالت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مختلف خیراتی اداروں کو $20 لاکھ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے. تفصیلات کے مطابق نیو یارک کی عدالت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سابق خیراتی ادارے کے فنڈ کو سیاسی اور کاروباری مفادات کے لیے استعمال کرنے پر $20 لاکھ کا ہرجانہ ادا کرے. عدالت نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خیراتی اداروں کو ہرجانے کی رقم ادا کریں تاکہ ریاست کی ڈیموکریٹ اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز کی طرف سے دائر کیا گیا دیوانی مقدمہ نمٹایا جا سکے. امریکی صدر کے خیراتی ادارے کے خلاف سول مقدمہ ریاست کی اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز نے دائر کیا تھا جس میں خیراتی ادارے پر 2016 کی صدارتی مہم میں ٹرمپ کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگایا گیا تھا. نیو یارک کی اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز نے اپنے بیان میں کہا کہ عدالتی فیصلہ خیراتی اداروں کے اساسوں کے تحفظ کے لیے کی جانے والی ہماری کوششوں کی فتح ہے، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ان افراد کا محاسبہ ہوا ہے جو خیراتی رقوم کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یاد رہے کہ دو روز قبل امریکی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اکاؤنٹنگ کمپنی کو حکم دیا تھا کہ ان کے 8 سال کے ٹیکس گوشوارے نیو یارک میں دائر کیے گئے مقدمے میں درخواست گزار کو فراہم کرے. امریکی صدر کے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی درخواست مینہٹن ڈسٹرکٹ اٹارنی سائرس وینس کے دفتر کی جانب سے دائر کی گئی تھی. کچھ بات کر لیتے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ بغدادی کے قریبی لوگ ترکی میں داخل ہو کر ملک میں دہشت گردی کے عزائم رکھتے ہیں، اسی لیے وہ یہاں پناہ تلاش کر رہے ہیں. تاہم متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ابوبکر البغدادی کے خاندان کے لوگ اور قریبی افراد ترکی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق ترکی کے صدر نے انکشاف کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے داعش کے سربراہ ابوبکر البغدادی کے نجی سرکل کے لوگ شام سے ترکی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں. غیر ملکی خبر رسان ادارے کا کہنا ہے کہ ترک فورسز کی جانب سے داعش جنگجوؤں کی سازش پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے اور بغدادی کے قریبی رشتے داروں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. گزشتہ روز بغدادی کی بہن اور بیوی کو گرفتار کیا گیا تھا. ترک صدر رجب طیب اردگان کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بغدادی کے قریبی لوگ ترکی میں داخل ہو کر ملک میں دہشت گردی کے عزائم رکھتے ہیں، اسی لیے وہ یہاں پناہ تلاش کر رہے ہیں. تاہم متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انہوں نے عسکریت پسند تنظیم داعش کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار کیا. ترک حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. گزشتہ سال 2 جون کو شمالی ترکی سے بغدادی کی ایک بیوی اور بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا. کچھ بات کر لیتے ہیں. برطانوی شہر مانچسٹر میں 60 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد شہر سیلابی صورتحال کی زد پر ہے. بارشوں کے باعث مانچسٹر اور لیڈز میں ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. برطانیہ کے شمال مغربی شہر مانچسٹر کو بھی شدید بارشوں نے لپیٹ میں لے لیا ہے. شہر میں بارشوں کے بعد متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں. برطانوی شہر مانچسٹر میں گزشتہ روز سے اب تک 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد شہر سیلابی صورتحال کی زد پر ہے. بارشوں کے بعد مانچسٹر اور لیڈز میں ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ مضافاتی علاقوں میں شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں. ریلوے لائن زیر آب آنے سے مانچسٹر اور لیڈز میں ٹرینوں کی آمد و رفت بھی معطل ہو گئی ہے. موٹر وے اور مرکزی شاہراہوں پر بھی پانی جمع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. بارش کے باعث بہت سارے گھر اور کاروباری مراکز پانی میں ڈوب چکے ہیں. دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی کے باعث انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو سفر سے اجتناب کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. شیفرڈ میں شاپنگ سینٹر کے اطراف پانی جمع ہونے سے اندر موجود افراد محصور ہو گئے ہیں. مانچسٹر پولیس اور ایمرجنسی سروس امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفانی بارش سے مسائل شدید متاثر ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی. ڈیلی کینیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اینڈ اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی.